दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें के एक पत्रकार ने, एक सच्चे पत्रकार ने भाजपाइयों को, संघियों को मतदान केंद्र में पकड़ा है। ये संविधान का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है, और इस पत्रकार ने जिस तरह से लताड़ा है इनको, इन संघियों को, ये दुम दबा के वहाँ से भागे हैं और वहाँ पर इनका कवल का निशान भी मिला है और इलेक्शन कमीशन के अधिकारी भी वहाँ मिले। आइए बताते हैं क्या बात हुई और किस तरह से इस पत्रकार ने इनको लताड़ा और इनको यहाँ से भागना पड़ा अपनी जान छुड़ाकर। आइए देखिए ये वीडियो। जी सर, क्या नाम है सर आपका? जयप्रकाश जी, क्या मामला था यहाँ पे आज? आज ये मीटिंग किस चीज की मीटिंग हो रही थी? संघ की मीटिंग। संघ की मीटिंग थी मतदान केंद्र में चुनावों के जरिए। क्या बात, आप भाई साहब इनको भगा क्यों रहे हो? आपका क्या नाम भाई साहब? ऐसे भगा के क्या नाम है सर आपका? प्रदीप जी, कहाँ से आप हो? हाँ भाई साहब, ये बूथ नंबर 220, भाई साहब ये बूथ नंबर 220 की फाइल मतदान केंद्र में पार्टी मीटिंग कर रही है। भाई साहब ये कट्टा ले कहाँ जा रहे हो आप? हाँ भाई साहब, ये क्या है इसमें? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आपको इतना क्यों हो रहा है? आज आपकी चोरी पकड़ी गई है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भैया आपका? ये देखिए क्या है ये, इसमें आप ये यहाँ मतदान केंद्र में आप पार्टी की मीटिंग कर रहे हो? क्या चल रहा है ये भाजपा की? ये क्या है, इसको निकालो इसको। ये क्या ले रहे हो आप? क्या हो गया साहब, यहाँ पार्टी मीटिंग कैसे कर रही है मतदान केंद्र में? कानून की कोई परवाह नहीं है आप लोगों को? आप भी इस मीटिंग का हिस्सा थे भाई साहब? आप भी इस मीटिंग का हिस्सा थे? क्या संविधान को पार करके कोई विधायक बन सकता है? आप मानते हो ये चीज? नहीं, साइड देंगे, बिल्कुल देंगे, जनता देगी साइड आपको। ये अपने को मिला है यहाँ पर। एक सेकंड सर, यहीं से उठाया था कि आपने? ये और भी पोज है मेरे पास। ये कमल का फूल कहाँ से मिला है सर? ये यहीं पर पोज, यहीं तो थे, मतदान केंद्र में है सर ये। आप निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं, जॉब करते हैं आप? बिल्कुल सर, मतदान केंद्र से ही मिला है और हाँ। ये कैंडिडेट के हमने लगा हुआ देखा था और कैंडिडेट को बाहर भेज दिया गया है। लगभग कितने लोग यहाँ पे थे भाई साहब? अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 100 मेन अब। तो क्या ये आचार संहिता और कानून का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल सर, उल्लंघन है। तो आप क्या मानते हैं कि पुलिस की ढिलाई रही या इसमें आपसी इनका मतजोड़ इन्होंने जो किया आपस में मिलके यहाँ पे? सर ये अपन कुछ कह नहीं सकते इस स्तर पे, ये इन्हीं की आपसी तालमेल के हिसाब से किए। तो ये भाजपा पार्टी के ही लोग थे? बिल्कुल सर, भाजपा पार्टी।